अजमेर एसीबी ने जिला परिषद में 11,000 की रिश्वत ले से सहायक विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए ट्रैप की कार्यवाही में शामिल निरीक्षक मीरा बेनीवाल ने बताया कि एडिशनल एसपी सतनाम सिंह को टाटगढ़ की सरपंच चंपा देवी के बेटे धर्मवीर द्वारा शिकायत दी गई कि जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी मुकेश काकानी द्वारा ग्राम पंचायत टाटगढ़ में किसी तरह की कमियां नहीं निकाली जाएगी, इस एवज में 16,000 की डिमांड की गई। इस मामले में 19 जुलाई को एसीबी ने सत्यापन करवाया और 5,000 रुपए की राशि सत्यापन के दौरान दी गई। बाकी 11,000 की रिश्वत की रकम आज धर्मवीर द्वारा जिला परिषद स्थित टॉयलेट के नजदीक सहायक विकास अधिकारी मुकेश काकानी को दी गई। इस दौरान एसीबी ने रंगे हाथों मुकेश काकानी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। ग्राम पंचायत टाटगढ़ के अंदर सरपंच चंपा देवी के वहाँ के रिकॉर्ड चेक करने गए हैं। जिला परिषद अजमेर से मुकेश काकानी सहायक विकास अधिकारी और विकास अधिकारी दिनांक 19/7/21 को निरीक्षण के दौरान 16,000 रुपये की रिश्वत मांगी। उसी दिन 5,000 रुपये रिश्वत ले लिए और आज 11,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। जिला परिषद रिकॉर्ड के में कोई कमी नहीं निकालने के बजे ₹5,000 रुपए 19/7/21 को ले लिए थे और आज 11,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। नहीं, और कोई भी जांच कर रहे हैं। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB News, सच्चाई की वापसी।